वेलकम इन टारगेट केमिस्ट्री। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। पिछले क्लास के बाद आज हम फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं और आज मौसम भी काफी खराब है, ठीक है? तो दिक्कत तो हो रही होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, जिसके चलते जो है ना बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि सही सही देख नहीं पा रहे हैं। तो कल हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड को, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को, उसके अंतर को हमने बेहतर तरीके से देखा था और आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, ध्यान देखें। क्वेश्चन है, व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच को अतिशीतली द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिशीतली द्रव क्यों कहा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा था ग्लास के बारे में, कांच जो है, ग्लास जो है, ये एमोर्फस सॉलिड है ना, मतलब बेरवादार ठोस है। और यहां लिखा हुआ है अतिशीतली द्रव, तो द्रव का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ लिक्विड? लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड हैज टेंडेंसी टू फ्लो, इट इज विस्कस। द्रव जो होते हैं उनकी सबसे बड़ा गुण ये होता है, इसमें बहने का गुण होता है, अर्थात बहाव का गुण होता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऊंचे से नीचे की ओर, ये क्या होता है, बह के चली जाती है। ये होता है द्रव का गुण, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि द्रव में अणुओं के बीच में दूरी होती है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सॉलिड की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इट हैज टेंडेंसी टू मूव ऑर्बिट, है ना, इसके अणुओं में बहने का गुण होता है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का प्रवृत्ति होती है, ठीक है? तो यहां पर हम लोग देखेंगे कांच के बारे में, कांच को अतिशीतलित द्रव क्यों कहा जाता है, ठीक है? तो कांच को अतिशीतलित द्रव इसलिए कहा जाता है बाबू क्योंकि कांच एक बेरवादार ठोस है, इनके जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, इनके जो परमाणु होते हैं, इनके जो कण होते हैं, वह नियमित रूप से त्रिविमीय क्षेत्र में सजे नहीं होते हैं, त्रिविमीय क्षेत्र में सजे नहीं होते हैं, ठीक है, और इनमें बहुत मंद गति से द्रव की तरह बहाव का गुण होता है, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांच का प्लेट लेते हैं जिसे हम खिड़की के रूप में ग्लास को या कांच को लगाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि लंबे समय के बाद ऊपर का हिस्सा जो होता है वो थोड़ी पतली हो जाती है और नीचे वाला हिस्सा मोटी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कांच के अणुओं में या कांच के कणों में, ठीक है ना, द्रव की तरह मंद गति से बहाव का गुण होता है, इसलिए हम लोग कांच को अतिशीतलित द्रव कहते हैं, ठीक है? इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड, देयर पार्टिकल्स आर वेरी स्लोली, सो द प्रॉपर्टी लाइक लिक्विड अंडर द ग्रेविटी, सो ग्लास इज रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, लिख सकते हैं हम लोग इसको, कांच एक बेरवादार ठोस है, कांच एक बेरवादार ठोस है, इसके कणों, मतलब इनके जो परमाणु होते हैं, इनके परमाणु, इनके कणों में द्रव की तरह गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन बहाव का गुण होता है, इसलिए
इसे अतिशीतलित द्रव कहा जाता है, इसलिए इसे अतिशीतलित द्रव कहा जाता है। चलो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जानना भी बहुत जरूरी है आपको। इसी को हम लोग अंग्रेजी में जो लिखते हैं, इंग्लिश वर्जन में जो लिखते हैं, उसके लिए ग्लासेस एमोर्फस सॉलिड देयर पार्टिकल्स है नेचर टू फ्लो वेरी स्लोली अंडर ग्रेविटी लाइक लिक्विड, सो इट इज कॉल्ड सुपरकूल्ड लिक्विड। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल को हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। पहले भी बताया आपको कि पुराने घरों की जो खिड़कियां होती है, जो कांच की बनी होती है, उसको अगर आप देखोगे तो देखोगे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यही एक कांच का ये प्लेट है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये हिस्सा, ठीक है ना, ये पतली हो जाती है, और ये जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, ये बॉटम वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये मोटी हो जाती है। ठीक है, समझ चुके हैं आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाई यूरिया इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यूरिया रवादार ठोस है क्यों या कैसे? यूरिया रवादार ठोस है क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें यूरिया के बारे में। यूरिया के बारे में आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, डाई एमिनो कीटोन, ये क्या है? यूरिया। ठीक है, डाई एमिनो, एमिन ग्रुप है दोनों तरफ से दो बार, और ये बीच वाला फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी हम लोग ऑर्गेनिक में भी आएंगे। डाई एमिनो कीटोन ये यूरिया है, यूरिया एक रवादार ठोस है। ठीक है, यूरिया एक रवादार ठोस है क्योंकि इसके जो कण होते हैं त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं। पहली बात, पहला हो गया आपका इसका। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसको ये बोल सकते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो गलनांक होता है, किसी बात कर रहा हूं मैं यूरिया की, इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट MP 133 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे तो 133 डिग्री सेल्सियस पर जब ये आएगा तो एब्रप्टली नहीं बल्कि शार्पली, है ना, ये मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। इसका मतलब हुआ यूरिया क्या है? एक रवादार ठोस है। तो इसका जवाब क्या होगा? व्हाई यूरिया इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसको हम बोलेंगे यूरिया इज क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न एंड इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज 133 डिग्री सेल्सियस। यूरिया एक रवादार ठोस है क्योंकि इसका ज्यामितीय होता है आकार, इनके जो कण होते हैं त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रवादार ठोस के प्रकार।
types of crystalline solid. Types of crystalline solid. रबादार ठोस के प्रकार. इसको याद रखने का तरीका है आई एम सी एम. इसको ध्यान रखेंगे आप तो भूल नहीं पाएंगे. आई एम सी एम. नंबर एक में हम लोग देखें आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक रबादार ठोस. आयनिक रबादार ठोस या शॉर्ट में हम बोलेंगे इसको आयनिक सॉलिड. क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड. दो नंबर में आ जाओ मोलेक्यूलर सॉलिड. शॉर्ट में बोलेंगे या मोलेक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आप बोल सकते हो. चलो मैं इसको छोटा कर देता हूं. मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड या मोलिकुलर सॉलिड. आणविक रबादार ठोस या आणविक ठोस. तीन नंबर में हम देखेंगे कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड. हिंदी में इसको बोलेंगे सहसंयोजी ठोस. और चार में देखेंगे मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड या मेटलिक सॉलिड. हिंदी बोलेंगे धात्विक ठोस. क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? धात्विक ठोस. तो देख रहे हैं आप ठीक है. फटाफट देख लो बाबू इसको. रबादार ठोस के कितने प्रकार हैं? आईएमसीएम, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. और शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी बोलते हैं ना आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोवैलेंट सॉलिड और मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेटलिक सॉलिड. सबसे पहले हम आएंगे एक नंबर में ठीक है. अब देख लो जरा देख चुके हैं इसको. नोट कर लिया आईएमसीएम. चल तुमको तो प्रधानमंत्री बना दूंगा. अभी तो फिलहाल सीएम तक रहो ठीक है ना. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. आयनिक रवादार ठोस. आयनिक रवादार ठोस हम लोग किसको बोलेंगे? नाम से स्पष्ट है, नाम ही काफी है ठीक है ना. ए सॉलिड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ अपोजिट आयन्स इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक है. एक तरीके से हम लोग बोलेंगे. और जैसे कि आप जानते हैं उसका सारे सारे लोग ठीक है ना. आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड कैटायन, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एन आयन. धन आवेशित कण को हम लोग धनायन बोलते हैं और ऋण आवेशित कण को ऋणायन बोलते हैं. तो जब आप देखोगे आयनिक रबादार ठोस तो यहां पर आपको दो विपरीत आवेश वाले आयन मिलेंगे और एक विपरीत वाले आवेश वाला आयन दूसरे विपरीत आवेश वाले आयन से आकर्षित होंगे. उन दोनों के बीच में जो आकर्षण का बल काम करेगा वो बहुत मजबूत होगा जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलंबियन फोर्स. हिंदी में बोलेंगे इसको अस्थिर वैद्युत बल या कुलंबियन बल ठीक है. तो इसको हम लिखेंगे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड which is made of या consists of two opposite ions. क्या क्या हो सकते हैं वो? कैटायन
एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड या आयनिक सॉलिड। हिंदी बोलेंगे इसको वैसे रवादा ठोस जो दो विपरीत आवेश युक्त आयन धनायन एवं ऋणायन के बने होते हैं उसे आयनिक रवादा ठोस कहते हैं। आयनिक रवादार ठोस कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इनका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक रवादार ठोस के गुण, ठीक है। आयनिक रवादार ठोस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला प्रॉपर्टीज का कि ये दो विपरीत आवेश वाले आयन के मिलने से बने होते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन। यह धनायन एवं ऋणायन के मिलने से बने होते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत मजबूत होता है। अब जैसे हम लोग बात करें ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा जो बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। लिखेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स और कोलंबियन फोर्स और कोलंबिक फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन अपोजिट आयन्स। अपोजिट आयन्स विपरीत आयन के बीच प्रबल, प्रबल मीन्स मजबूत आकर्षण बल, मजबूत आकर्षण बल मौजूद होती है। इसका क्या काम है, ये एक दूसरे को बांध के रखती है ना। तो समझ सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो विपरीत आवेश वाले आयन को जोड़ करके रखती है, ठीक है। तो ये काफी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, है ना, हार्ड होगा। इसके साथ साथ ये जो होगा, ठीक है, ब्रिटल भी होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, तीन नंबर में आ जाइए। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, यह कठोर एवं भंगुर होता है,
ठीक ना। इट इज नॉन कंडक्टर, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म और मोल्टेन स्टेट। आयनिक रवादार ठोस जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, ठीक है, होता भी है तो बहुत पुअर होता है, दुर्बल चालक होता है। लेकिन अगर बात करें हम, ठीक है, ये इसका जब विलयन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन जब बनेगा तो विद्युत का चालक होगा, क्योंकि तब उसमें क्या होता है, फ्री आयन होता है, ठीक है ना। कैटायन और एनायन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण वो विद्युत का चालक होता है। तो दो बात मैंने यहां पर बताया आपको, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था जब होगा ये तो विद्युत का अचालक होगा, लेकिन कंडक्टर होगा ये, चालक होगा कब, जब एक्वस फॉर्म में आएगा। एक्वस का मतलब क्या हो गया, जलीय, जलीय विलयन जब ये बनेगा तब, ठीक है, ये चालक होगा। और साथ ही साथ जब हम इसको पिघलाएंगे, है ना, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, पिघलाएंगे, गर्म करेंगे, तब ये, ठीक है ना, पिघल जाएगी और आयन जो है ना अलग अलग हो जाएंगे, तब भी हम लिखेंगे इसको, हिंदी में लिख सकते हैं बाबू, या ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, किंतु द्रवित या जलीय विलयन के रूप में चालक होते हैं, क्या होते हैं, चालक होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये NaCl है, ठीक है, दिस इज सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट, ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अभी ये सॉलिड है, जब हम इसको एक्वस फॉर्म में लाएंगे, जल में मिलाएंगे, तो नमक जो होती है वो घुल जाता है और ये टूट जाएगा, यानी प्लस में और Cl माइनस में, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और इसको हम लोग बोलेंगे एनायन, क्या बोलेंगे इसको, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है, ये हो गया आपका धनायन और ये हो गया ऋणायन, तो ये स्वतंत्र है, ठीक है ना, ये भी स्वतंत्र है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं आयनिक रवादार ठोस के गुण, ठीक है, अब पक्का ये हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दो में, हम लोग देखेंगे दो में
मोलेक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉरी आणविक आबादार ठोस आण्विक रवादार ठोस नाम से स्पष्ट है बाबू, ठीक ना। मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे, आण्विक रवादार ठोस किसको बोलेंगे। जैसे कि इससे पहले आपने देखा था आयनिक रवादार ठोस, वैसे रवादार ठोस जिनका अवयवी आयन होता है, ठीक है ना, जो दो विपरीत आयन के बने होते हैं उसे हम लोग आयनिक रवादार ठोस बोलते हैं। बस थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, वैसे रवादार ठोस जो अणु के बने होते हैं, ठीक है ना, जिनका अवयवीकरण क्या होता है, अणु होता है। देखेंगे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हूज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हिंदी में इसको बोलेंगे वैसे रवादार ठोस जो अणु के बने होते हैं। बने होते हैं उसे आण्विक रवादार ठोस कहते हैं, उसे आण्विक रवादार ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देने से पहले समझाने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये ठीक है तीन प्रकार के होते हैं। देख चुके हैं इसको आप, ये तीन प्रकार के होते हैं। नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और ध्रुवीय आण्विक रवादार ठोस पोलर सॉलिड ध्रुवीय आण्विक रवादार ठोस और हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्डेड सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बंधन युक्त ठोस, ठीक है। चलो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी कर लेता हूं और इसको सी कर लेता हूं, सही रहेगा। अब सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे ए नंबर में, देख चुके हैं आप इसको बढ़िया से। ये हम लोग टाइप देख रहे हैं किसका, आण्विक रवादार ठोस का। फिर से मैं एक बार बात करूं आपसे, आण्विक रवादार ठोस हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है ना, वैसे रवादार ठोस जिसका अवयवीकरण अणु होता है, ठीक है, उसे हम लोग आण्विक रवादार ठोस कहते हैं। ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अध्रुवीय। नाम से स्पष्ट है, नन मीन्स नॉट, पोलर मीन्स पोलरिटी, सॉलिड मीन्स ठोस, ठीक है। आया कहां से है, इट हैज कम फ्रॉम मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये आया कहां से है, आण्विक रवादार ठोस से, हम बोलेंगे इसको वैसे आण्विक रवादार ठोस जिसमें, और मीन्स नहीं, नन मीन्स नहीं, नो, जिसमें ध्रुवीयता नहीं होती है, मतलब ये हुआ कि उस पर चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज इज ऑक्युपाइंग, नो चार्ज इज अवेलेबल, सच सॉलिड इज रिगार्डेड एज नॉन पोलर सॉलिड, हम बोलेंगे इसको ए मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ए मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड
हैविंग नो पोलैरिटी चार्ज इज कॉल्ड नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, हिंदी बोलेंगे वैसे आण्विक रवादार ठोस जिसकी ध्रुवीयता नहीं होती है, जिसकी ध्रुवीयता या आवेश नहीं होती है उसे हम लोग अध्रुवीय ठोस कहते हैं। अध्रुवीय ठोस कहते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी पाएंगे, गुण, इसके गुण को देख लो, एक में ठीक है ना, नो चार्ज, नो पोलैरिटी, ध्रुवीयता नहीं होती है, तो क्या होती है ध्रुवीयता, तो शून्य होती है। ठीक है, इसका ध्रुवीयता क्या होगा, शून्य होगा। इसमें दो जो अणु रहेंगे उन अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, लगने वाला जो बल होगा वो बल कमजोर होता है, आकर्षण बल, और इस बल को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स, या इसी का दूसरा नाम है लंदन फोर्स। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया लंदन फोर्स के बारे में, ध्यान देंगे, इट हैज प्रेजेंट पुअर अट्रैक्टिव फोर्स, पुअर अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। ध्यान देंगे इस पे, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आकर्षण बहुत कमजोर होता है, बहुत पुअर होता है अट्रैक्शन, ठीक है ना, दो अणु है, एक अणु ये है, एक अणु ये, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा ये बहुत पुअर होगा, ये बहुत पुअर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं, यही आपका लंदन फोर्स है। ठीक ना, हिंदी में लिखेंगे इनके बीच कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है, जो फैलाव बल या लंदन बल कहलाती है। सामान्य अवस्था में ये गैस होते हैं, लेकिन इसको जब हम लोग ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। ठीक है, नॉर्मली एट नॉर्मल कंडीशन इट इज गैस, सामान्य ताप पर यह गैस होती है। एग्जाम्पल देखा तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इसके अलावा ठीक है ना, आइडियल गैस या इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस। एक बार ध्यान देना आपको, यहां पे ये सभी की सभी जो है गैस होती है, लेकिन जब इसको हम लोग ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और ठंडा करेंगे उसको तो सॉलिड बन जाएगा, तब की हम लोग बात करेंगे। ठीक
ठीक है। एक दो प्रॉपर्टी और है इसके, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अचालक होती है, अचालक होती है, या विद्युत का क्या होती है, अचालक होती है। ओके, तो ये आपने देखा नॉन पोलर सॉलिड के बारे में, जो कहां से आया था, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड से, आणविक रवादार ठोस से। अब हम देखें इसका बी, बी में है आपका इसका पोलर सॉलिड, नाम से स्पष्ट है पोलर, ध्रुवीय ठोस या ध्रुवीय आण्विक रवादार ठोस। तो ध्रुवीय ठोस कहां से आया है, आण्विक रवादार ठोस से। तो वैसे रवादार ठोस या वैसे आण्विक रवादार ठोस जिसकी ध्रुवीयता होती है उसे हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, या मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग पोलैरिटी, मीन्स इसमें क्या होगा, चार्ज होगा। इट्स कॉल्ड पोलर सॉलिड, ठीक है, ध्रुवीय ठोस। वैसे आण्विक रवादार ठोस, वैसे आण्विक रवादार ठोस जिसकी ध्रुवीयता होती है उसे ध्रुवीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ध्रुवीय ठोस कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको प्रॉपर्टी हम लोग देख लें जल्दी में, प्रॉपर्टीज गुण। सबसे पहले एक में इसमें चार्ज होती है, इट हैज पोलैरिटी, इट हैज पोलैरिटी, इसकी ध्रुवीयता होती है जैसा कि मैंने उसमें बताया था आपको, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो द्रव्यमान या गलनांक होगा वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो बल काम कर रहा था वो कमजोर बल काम कर रहा था, वीक फोर्स काम कर रहा था, उसका नाम था लंदन फोर्स। इसमें जो फोर्स काम करता है उसका नाम है डायपोल, डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स इज प्रेजेंट। दो विपरीत ध्रुव अगर होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उनके बीच में, ठीक है ना, आकर्षण का बल काम करता है। वो जब आकर्षण का बल, ठीक है ना, दो आंशिक प्लस और आंशिक माइनस, ठीक है, उनके बीच जब काम करता है आकर्षण का बल, तब उसको हम लोग द्विध्रुव द्विध्रुव बल बोलते हैं। इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव बल कार्यशील होता है, कार्यशील होता है, इट हैज एमपी, इट हैज मोर और हायर एमपी देन नॉन पोलर
सॉलिड। अध्रुवीय ठोस की तुलना में अध्रुवीय ठोस की तुलना में अध्रुवीय ठोस की तुलना में यह अधिक गलनांक वाला होता है। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक होगा, ठीक है ना, वो नॉन पोलर वाले से अधिक होता है। इट इज पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का दुर्बल चालक होता है, बहुत कम दुर्बल चालक होता है। कमरे के ताप पर जो है यह भी गैस होती है, लेकिन जब इसको हम लोग ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगी, और ठंडा करेंगे तो यह सॉलिड बन जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लो, SO2 HCl, है ना, ये जो है इनमें, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, पोलरिटी पाई जाती है। जैसे थोड़ा समय बता दूं आपको, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और यहां एक है, ये इनके साथ शेयर किया और ये इनके साथ शेयर किया, ठीक है। इनका भी हीलियम की तरह डुएट पूरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर किया तो 2 हो गया, और इनके पास 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ अपना है, एक साझा किया, शेयर किया, 8 हो गया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन होता है क्या, हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन के प्रति खिंचाव बल है वो अधिक होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना, वो ज्यादा होता है, इसलिए क्या करती है, अपनी ओर खींच लेती है। अब देखो यहां अभी कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि मिडिल पॉइंट में बीच में है, ठीक है। अब ये देखो क्लोरीन की बात करें, 2, 2, 4, 2, 6 और ये इनका अपना 7वां वाला था, और ये जो ये वाला है हाइड्रोजन का, ये यहां पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि इसने हाइड्रोजन ने, ठीक है, बॉन्डेड, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बंधित इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, बंधित इलेक्ट्रॉन की जोड़ी या युग्म, ठीक है। इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन ने अपनी ओर खींच लिया, इसलिए इसके पास कुछ बचा नहीं। अगर ये इनको दे देता है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन, तो इसपे प्लस होता, और अगर ये एक्सेप्ट कर लेता तो इसपे माइनस होता, लेकिन इसने दिया नहीं, ठीक ना, और इसने एक्सेप्ट फुल्ली किया नहीं, तो इसके खींचाव के कारण ये जो यहां से शिफ्ट कर गया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये शिफ्ट कर गया क्लोरीन की ओर, क्योंकि क्लोरीन का खिंचाव बल जो है, ठीक है ना, वो ज्यादा है, इसलिए इस पे आंशिक प्लस आएगा और इस पे आंशिक माइनस आएगा। इसी को बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो किसी अणु के परमाणु पर आंशिक धन आवेश तथा आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होने की घटना को ध्रुवीयता कहते हैं, ठीक है। चलो अंतिम हम लोग देखते हैं आप, ठीक है ना, लास्ट है, इसको देख चुके हैं आप, आणविक रवादार ठोस जो आप देख रहे हैं, आणविक रवादार ठोस, उसके, ठीक है ना, आपने देखा 3 अलग अलग टाइप होते हैं। एक में आपने देखा सबसे पहला नॉन पोलर, दूसरा आपने देखा पोलर, और तीसरा हम लोग अंतिम देख रहे हैं C3 नंबर में हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड।
हाइड्रोजन बंधन युक्त आण्विक द्रव्यमान ठोस। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग किसको कहते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग आएंगे यहां पे, चलो एक बार इसका परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं। ए मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एच बॉन्डेड सॉलिड, एच बॉन्डेड सॉलिड हिंदी में बोलेंगे। वैसे आण्विक द्रव्यमान ठोस, वैसे आण्विक द्रव्यमान ठोस वैसे आण्विक द्रव्यमान ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंधन मौजूद होते हैं उसे हाइड्रोजन बंधन युक्त एच बॉन्डेड ठोस कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम प्रॉपर्टी को देख लेंगे फटाफट, इसके एग्जांपल को देख लेंगे। प्रॉपर्टीज गुण तो देखो जरा, सबसे पहले तो इसमें देखेंगे, ठीक ना। इट हैज प्रेजेंट एच बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन बंधन मौजूद होता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन मौजूद होता है, दोनों पर में इट हैज हायर एमपी देन नॉन पोलर एंड पोलर सॉलिड। इसका गलनांक और ध्रुवीय एवं ध्रुवीय ठोस की तुलना में अधिक होता है। तीन नंबर, इट इज नॉन कंडक्टर, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अचालक होता है, ओके। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे H2O, ये जल है, लेकिन जब इसको हम लोग ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं आइस बर्फ, है ना। NH3 अमोनिया गैस है, लेकिन जब इसको हम ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, अमोनिया, सॉलिड अमोनिया, ठीक है। उसी तरह से HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको ठंडा करेंगे, अधिक ठंडा करने पर ये सॉलिड बनेगा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड,
लास्ट क्लास हम लोग बात करेंगे इस चीज को, हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है ना, तीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, इन तीन में से किसी के साथ जुड़े होते हैं, तब ऐसे सहसंयोजी बंधन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। फिर से एक बार, जब हाइड्रोजन परमाणु इन तीन में से, यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होता है और नाइट्रोजन का 3 होता है, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो देख लो हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, वो फ्लोरीन है, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन और इसके बाद नाइट्रोजन की बात कब मैं करता हूं, ठीक ना। अगर इसके साथ मैं लिख दूं आपको कार्बन, ठीक है, 2.5 होता है, हाइड्रोजन 2.2 होता है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग किसको बोलेंगे, लास्ट क्लास बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन परमाणु इन तीन में से किसी एक के साथ जुड़ा होता है, तब ऐसे जुड़ने वाले सहसंयोजी बंधन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड विद फोन, फोन मींस नॉट बाय कॉल फोनिंग, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड विद आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ओके, देन सच कोवेलेंट बॉन्ड इज रिगार्डेड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख दूं यहां पे एच बॉन्ड के बारे में। जब हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ फोन से जुड़ा होता है तब ऐसे सहसंयोजी बंधन को हाइड्रोजन बंधन, एच बंधन कहते हैं, ठीक है ना। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। लेकिन एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बता रहे थे शाम की क्लास के बारे में, ठीक ना, कि अभी का जो सामने जो क्लास दे रहा हूँ लाइव, इसके बारे में बता रहा था कि सर नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर दिन में आप दें तो हमें सुविधा होगी, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक करके कहीं भी चला जाऊंगा जहां नेटवर्क अच्छी होगी, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि अगर आपको दिन में चाहिए क्लास तो कितने बजे आप क्लास आना पसंद करेंगे, कौन सा टाइम आपको सूट करेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर हम आपसे, बाय।